हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे जीपी दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और आज इसमें हम लेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। लास्ट लेक्चर में लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स, बट यहां पर एन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो पहले देखते हैं स्टूडेंट्स SN का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन मॉड r इज ग्रेटर देन 1। अदरवाइज वी कैन यूज दिस फॉर्मूला a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r व्हेन मॉड r इज लेस देन 1। ओके, अब हमें n टर्म्स नहीं चाहिए, हमें इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए। तो देखते हैं यहां पर जब r मींस ये वाला केस मॉड r 1 से ग्रेटर होगा, 1 से बड़ा होगा, तो r टू द पावर n करने पर हमें क्या मिलेगा, इंफिनिटी। अगर n इंफिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो r टू द पावर n भी क्या हो जाएगा, इट ऑल्सो अप्रोचेस इंफिनिटी। सो देयरफॉर s इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट When mod r is greater than 1। अगर कॉमन रेशियो का मॉड 1 से बड़ा है तो s इंफिनिटी निकालना पॉसिबल नहीं है। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज लेते हैं 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब एंड सो ऑन। यहां पर r कितना है 10, विच इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है ना। अब जब यहां पर 10 की पावर 100 आएगी तो कितना बड़ा नंबर आएगा, 10 की पावर 1000 लेंगे तो और बड़ा आएगा, 10 की पावर 10 लाख लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। ऐसे नंबर बढ़ता बढ़ता जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो r टू द पावर n क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इसलिए सम निकालना पॉसिबल नहीं है अगर कॉमन रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1। अब केस नंबर 2 लेते हैं, जब मॉड r मतलब कॉमन रेशियो क्या होगी, लेस देन 1। तो उस केस में जब n इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होगा, तो r टू दी पावर n क्या हो जाएगा, 0। कैसे, 1 बाय 10। ओके, तो इसका मतलब 0.1, 1 अपॉन 100 मतलब 0.001। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, ये कम होता जा रहा है ना। जितनी ज्यादा पावर इसकी पावर 100 होगी और कम हो जाएगा, 1/10 की पावर 1000 होगी तो वो इससे कम होगा। तो n के इंक्रीज होने के साथ ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा एंड ऑलमोस्ट जाकर क्या हो जाएगा, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a 1 माइनस 0 मतलब 1, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, a, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस r। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टूडेंट्स याद रखनी है कि s इंफिनिटी, सम ऑफ इंफिनिटी कब एग्जिस्ट करता है जीपी का, जब मॉड r क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो सबसे पहले हम r निकालेंगे जीपी में और चेक करेंगे कि उसका मॉड लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट्स आते हैं एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव टू डिटरमाइन वेदर सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी एग्जिस्ट और नॉट। अगर हमें बोलते हैं सम टू इंफिनिटी निकालो तो उसमें भी मैंने बताया इंफिनिटी एग्जिस्ट कब करेगा, कंडीशन है कि मॉड आर लेस देन 1 होगा, देन एस इंफिनिटी एग्जिस्ट। And if mod r is greater than 1, then s infinity does not exist. Okay, तो check करते हैं what is a here, 1/2, what is r here, t2/t1, 1/4 divided by 1/2, so ये कितना हो जाएगा, 2/4, that is 1/2, r कितना आ गया, 1/2, means mod r, mod 1/2, which is less than 1, okay, so this is less than 1 since
मॉड आर इज लेस देन वन, देयर फोर एस इंफिनिटी एग्जिस्ट। ओके, सबसे पहली कंडीशन ही हमें ये चेक करनी है कि मॉड आर लेस देन वन है या नहीं। तो यहां पर तो मॉड आर लेस देन वन है, इसका मतलब एस इंफिनिटी एग्जिस्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस इंफिनिटी? ए अपॉन वन माइनस आर। व्हाट इज ए? वन बाय टू, वन माइनस वन बाय टू। सो वन बाय टू अपॉन वन बाय टू, आंसर इज वन। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे स्टूडेंट्स, एंड द सेकेंड पार्ट इज टू, फोर बाय थ्री, एट बाय नाइन, सिक्सटीन बाय ट्वेंटी सेवन एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज ए हेयर? व्हाट इज ए हेयर? ए इज टू, ए मतलब फर्स्ट टर्म। अब हम आर चेक करते हैं, आर क्या होता है? टी टू अपॉन टी वन, फोर अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय टू। सो ये हो जाएगा फोर अपॉन सिक्स, दैट इज टू बाय थ्री। सो आर कितना आ गया? टू बाय थ्री। इट मीन्स मॉड आर, दैट इज मॉड टू बाय थ्री, ये कितना हो जाएगा? टू बाय थ्री। अगेन इट इज लेस देन वन, ये भी वन से लेस है। ओके, सो देयरफोर एस इंफिनिटी एग्जिस्ट, इसका मतलब वी कैन फाइंड आउट सम टू इंफिनिटी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? ए अपॉन वन माइनस आर। पुट हियर द वैल्यूज, ए के प्लेस पे टू, वन माइनस टू बाय थ्री। सो ये हो जाएगा टू अपॉन वन बाय थ्री। इट मीन्स कितना? एस इंफिनिटी equals to 6. Students aate next, that is third part, and third part is minus 3, 1, minus 1 by 3, 1 by 9 and so on. Now what is A here? A kitna hai? Minus 3. Now R nikalte common ratio T2 upon T1. 1 अपॉन माइनस थ्री, दैट इज माइनस वन बाय थ्री। नाउ व्हाट इज मॉड आर? हमें पता है जब भी हम मॉड लेते हैं वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव आता है, वन बाय थ्री, एंड वन बाय थ्री इज लेस देन वन। सो इट मीन्स एस इंफिनिटी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। अब इसका फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर, यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। आर की वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो है तो नेगेटिव ही पुट करेंगे यहां पर। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस थ्री, वन प्लस वन अपॉन थ्री। तो एस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? माइनस थ्री, थ्री प्लस वन, फोर अपॉन थ्री। सो इट इज माइनस नाइन अपॉन फोर। नेक्स्ट आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, एंड द फोर्थ पार्ट इज वन अपॉन फाइव, माइनस टू अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव, माइनस एट अपॉन फाइव एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज ए हेयर? ए हेयर इज वन बाय फाइव। व्हाट इज आर? टी टू अपॉन टी वन, माइनस टू अपॉन फाइव डिवाइडेड बाय वन अपॉन फाइव। फाइव से फाइव कैंसिल, ये कितना आ गया? माइनस टू। इट मीन्स व्हाट? मॉड आर कितना होगा? माइनस टू का मॉड, दैट इज टू, विच इज ग्रेटर देन वन। सो ग्रेटर देन वन, सो देयरफोर एस इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसको हम आगे नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इज 9, 8.1, 7.29 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज ए हेयर? हेयर ए इज 9, आर मीन्स टी टू अपॉन टी वन, 8.1 अपॉन 9, दैट इज 0.9। ओके, नाउ मॉड आर मीन्स मॉड ऑफ 0.9, दैट इज 0.9, which is less than 1, 1 से कम है। It means
एस इंफिनिटी एग्जिस्ट, ओके एस इंफिनिटी एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट करती है तो हमें निकालना भी पड़ेगा, तो ये ए के प्लेस पर 9 पुट कर देंगे, 1 माइनस 0.9 0.1, सो ये हो जाएगा 90। इन क्वेश्चन में एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट न्यू फॉर यू, ये तुमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है जिसमें हम रिकरिंग को रैशनल में लिखते हैं, बट आज हम क्या करेंगे यूजिंग जीपी, जीपी का यूज करेंगे, ओके 0.7 बार, ये रिकरिंग है 0.777 एंड सो ऑन। अब हमें इसे लिखना है रैशनल नंबर की फॉर्म में, दैट इज पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, सो कैसे लिखेंगे 0.7 0.07 0.007 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, चलता जा रहा है मींस अप टू इंफिनिटी। सो व्हाट इज नाउ दिस इज जीपी, ओके सो इट इज जीपी। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज ए हेयर, ए मतलब फर्स्ट टर्म 0.7, आर हेयर मींस t2 अपॉन t1, 0.07 अपॉन 0.7 कैंसिल 1/10 और वी कैन राइट 0.1। नाउ मॉड आर मतलब मॉड ऑफ 0.1 दैट इज 0.1 विच इज लेस देन 1, लेस देन 1 है सो देयरफॉर एस इंफिनिटी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा सम टू इंफिनिटी। अब हम निकालते हैं सम टू इंफिनिटी, ओके ये क्या है एस सम, कहां तक अप टू इंफिनिटी, तो निकालते क्या हो जाएगा इधर ए अपॉन 1 माइनस आर इधर 0.7, इन सबका सम निकालना है इनफाइनाइट, ओके सो ये हो जाएगा ए के प्लेस पे 0.7 1 माइनस 0.1, सो 0.7 अपॉन 0.1 0.1 कैंसिल, आंसर इज 7/9। तो एस इंफिनिटी मतलब 0.7 बार को हम क्या लिख सकते हैं 7/9, और ये हमने किया जीपी का यूज करके सम टू इंफिनिटी। अब हम करेंगे स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, नाउ सेकेंड पार्ट इज 2.4 बार 2.444 एंड सो ऑन, ओके सो कैसे लिखेंगे इसको, हाउ टू राइट 2.4 या 2 को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट 2, 2 प्लस 4 ही रिपीट हो रहा है ना, तो 0.4 0.04 0.004 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये 2 तो एज इट इज रहेगा, नाउ दिस इज जीपी, ये जीपी है, इसमें ए कितना है फर्स्ट टर्म मतलब 0.4 एंड यहां पर आर होता है t2 अपॉन t1 अपॉन 0.4, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा यहां पर 0.1, सो मॉड आर दैट इज मॉड ऑफ 0.1 इट इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 आ रहा है सो देयरफॉर एस इंफिनिटी एग्जिस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर एस इंफिनिटी एग्जिस्ट और नॉट, सो अब हम निकालेंगे इसका सम और ये क्या हो जाएगा एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, अलग से सॉल्व करते हैं एस इंफिनिटी, दिस इज एस इंफिनिटी, ओके सो क्या लिख देंगे यहां पर 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.1, सो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.9 दैट इज 4/9, तो 0.4 0.04 0.004 एंड सो ऑन, ये किसके इक्वल आ गया 4/9, इसको मार्क कर देते हैं 1, सो देयरफॉर 2.4 बार, ये 2.4 बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस और इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे यहां पर 4/9, सो ये हो जाएगा 18 प्लस 4/9 दैट इज 22/9, ओके आते हैं थर्ड पार्ट पर।
एंड द थर्ड पार्ट इज 2.35 बार, बार ओनली 5 पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2.35555, रिपीटिशन जो है वो सिर्फ 5 की होगी। तो कैसे लिखा जाएगा, 2.3 प्लस 0, ये 2.3 तो अलग है, तो प्लस 0.005 एंड सो ऑन। ओके, सो यहां लिख देते हैं 2.3 प्लस एस इंफिनिटी। पहले तो चेक करते हैं एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करते हैं, मार्क दिस एज फर्स्ट वन। सो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज ए हेयर, 0.05, व्हाट इज आर हेयर, 0.005/0.05, दैट इज कितना, 1/10, अगेन इट इज 0.1। ओके, सो ये हो जाएगा 0.1। तो मॉड आर क्या है, यहां पर लेस देन 1, देयर फोर एस इंफिनिटी एग्जिस्ट। सो कैसे लिखेंगे, यहां पर 2.35 बार, ये किसके इक्वल है, 2.3 प्लस इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे, एस इंफिनिटी फ्रॉम फर्स्ट, सो 2.3। अब इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, ए, ए कितना, 0.05, ए अपॉन 1 माइनस आर। सो ये हो जाएगा 2.3 प्लस 0.05 अपॉन 0.9, 90 लिख देती हूं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 1s are 5, 5 18s are 90। ओके, सो ये हो जाएगा 2.35 बार इक्वल्स टू 2.3 प्लस 1/18। नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय 18, 23 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हो जाएगा 441.4 + 1/18 हो जाएगा 42.4/18। ये पॉइंट रिमूव किया, नीचे 0, कैंसिल करते हैं 2 से, 90, और ये क्या हो जाएगा 212, और वी कैन राइट 45, एंड यहां पर कितना 106। सो फाइनल आंसर इज 106/45। पार्ट पर आते हैं, 51.02 बार, सो 2 2 2, इन दिस केस 2 इज रिपीटिंग। ओके, सो हम क्या करेंगे, 51.0 को अलग से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, या 51 को सेपरेट लिखते हैं, और ये हो जाएगा यहां पर 0.02 0.002 0.002 0.002 and so on। तो 51 को अगर हम साइड में रख दे, तो व्हाट इज दिस, इट इज जीपी। ओके, व्हाट इज ए हेयर, 0.02, व्हाट इज आर हेयर, जब हम डिवाइड करेंगे इससे वी विल गेट 0.1, हुज मॉड इज, मॉड आर लेस देन 1, सो देयरफॉर एस इंफिनिटी एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करता है तो निकालना भी पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 51.02 बार, ये हो जाएगा 51 प्लस, अब इसके प्लेस पर क्या लिख दे, सम निकालना है ना, ये a अपॉन 1 माइनस आर। हेल्प करो स्टूडेंट्स, a के प्लेस पर 0.02, ओके, और r के प्लेस पर 0.1, सो ये हो जाएगा 0.02/0.9, और मैं 0.9 को लिख देती हूँ यहाँ 0, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ओके, सो 51.02 बार, ये क्या हो जाएगा, 51 प्लस 2/90 को मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 1/45। अब सॉल्व करेंगे तो कैसे, 45 को मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है, 5, 25, 4 और ये 25, 9, 2, 2, ओके, सो ये हो जाएगा 2295 + 1/45। अब ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 2296/45। आज हमने डिस्कस किया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इट्स कंडीशन व्हेन इट्स एग्जिस्ट एंड इट्स फॉर्मूला एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।